Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील. स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ्स 223 चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 डिस्कस करने जा रहे हैं. हमने इसका पहले पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो है वो रैशनलाइज एक्सरसाइज में शामिल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट द कर्व y = x² - 3x + 1. मतलब स्लोप फाइंड करते हैं ना, टेंजेंट कर्व में आपने इसका डेरिवेटिव लेना है. एट पॉइंट हुज बेसिकल इज 2, दैट इज आप कह सकते हैं कि 2 है. मतलब आप डेरिवेटिव लें और इसमें ये वैल्यूज 2 पुट करनी है. सिंपल क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है ऑन बोथ साइड. तो d डिवाइड बाय dx इंटू y इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 3x आ गया, ठीक है, और प्लस टी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट 1, जो कि आपको पता 0 हो जाएगा. यहाँ पर वहां आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल आएगा. सो पावर शुरू में एक्स प्लेस लिखेंगे, पावर एक कम करके और डेरिवेटिव यानी कि विदाउट पावर के एक्स का लेना है. माइनस यहाँ पर आपका 3 कांस्टेंट शुरू में आ गया और डेरिवेटिव आपने एक्स का लेना है. रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 3 आ गया, इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 है. तो हमारा जो डेरिवेटिव है ना, वो वैल्यू आ रही है 2x माइनस 3. जबकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पॉइंट की वैल्यू x इक्वल टू 2 दिया हुआ है. हम यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे. सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स पे हमें 2 इंटू 2 माइनस 3 करते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 टू द 4 माइनस 3 किया तो 1 हो गया. तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स में इसमें टेंजेंट वैल्यू जो है वो हमारी 1 आ रही है, ठीक है. इसका आंसर देख लेते हैं बुक में. और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इसका है जी 1 है, ठीक है जी. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर. तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था. इससे पिछले क्वेश्चन और आगे आने वाले इंशाल्लाह आपको प्लेलिस्ट में दिखिएगा, आपको सारे मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. आपके साथ भी मुलाकात होगी. दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.